एक जजमेंट तो आप फुल कॉपी कर भी पाएंगे, पूरा सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं? यू कांट, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअली क्रैश हो जाएगा, वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो, माफ़ करो नहीं इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। तो ये जो आपको कॉपिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी कॉपिंग की एक्सरसाइज को लिमिट करते हैं, यू कांट कॉपी द एंटायर थिंग। अनदर मेथड ऑफ DRM इज एनक्रिप्शन विच वी जस्ट डिस्कस्ड। तब जब जापानीज इंजीनियर ने किया था वो हार्डवेयर की तरह से किया था, अब सॉफ्टवेयर भी एनक्रिप्शन के आ गए। अगर आप कई बार किसी PDF फाइल को खोलना चाहें तो वो अजीब सी लैंग्वेज आ जाती है, आपको यही समझने में बहुत देर लगेगी कि ये चाइनीज है कि जर्मन है कि क्या है ये, बिकॉज दैट इज एनक्रिप्शन। और अगर आपके पास उसको डिक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोशिश करते रहिए, वो एनक्रिप्टेड स्क्रिप्ट ही आएगी एंड यू विल गेट टू नो नथिंग व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। सो देर आर एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स नाउ एज अगेंस्ट दैट हार्डवेयर थिंग एंड डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स नाउ, वेयर इफ यू हैव दैट सॉफ्टवेयर देन ओनली यू कैन डिक्रिप्ट इट एंड गेट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। If you don't have that decryption, then that software will be encrypted and you will not get to know the contents of that software or that page which you have opened. The next method is regional lockout. This was experimented by Microsoft, because Microsoft was a giant in the field of computers and were catering to the demands of various parts of the world. And they found it very difficult to have the whole world lockout system, because they realized that there are different regions and those different regions have different types of demands. So they developed this DRM method of regional lockout. They have divided the world into regions, and suppose Indian subcontinent ke liye koi product hai, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को उन्होंने एक रीजन माना और जो चीज US में अवेलेबल है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लॉक्ड आउट है। दैट इफ यू वांट कि मुझे वो US वाला भी चाहिए देन यू हैव टू ओपन दैट लॉक एंड यू टू पे फॉर इट, सो दैट इज कॉल्ड रीजनल लॉकआउट। अलग अलग रीजन्स को डिवाइड करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पेमेंट एक्सपेक्ट करने के हिसाब से रीजनल लॉकआउट सिस्टम लाए। So that is another method of DRM, Digital Rights Management, adopted by Microsoft. The next is anti-tempering. Now this is very commonly known that you can't temper a software. आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे लोग कॉपीराइट को सर्कमवेंट करने के लिए चीजों को कॉपी करते हैं और उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, चीजों की लैंग्वेज बदल देंगे कर देंगे एंड देन दे वांट टू प्रोजेक्ट इट एज देयर ओन। दिस इज कॉल्ड टेम्परिंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सो दैट इज व्हाई अनदर मेथड ऑफ DRM वॉज इवॉल्व्ड वेयर द ओरिजिनल प्रोडक्ट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। That is called anti-tempering. The product will remain the product of the owner, and if you want to use it, you'll have to pay the royalty to the owner. You can't tamper with it and project it as your own. Jaise, in one of the cases, a very innovative man tried to take advantage of the logo of Godrej. उसने बड़े गौर से गोदरेज के लोगों को देखा और उसने पाया कि बाकी सब तो ठीक है, जी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। आप अगर देखें जी ऐसे करके गोदरेज का आता है, रेस्ट ऑल इज ठीक है। इनोवेटिव माइंड देखिए कैसे काम करते हैं।
एंड दैट इज व्हाई लॉ हैज टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप. उसने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखा गोलरेज, सेम जी बट डी को एल कर दिया. रेस्ट ऑल फॉन्ट्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, गोदरेज बिकेम गोलरेज. एंड ऑल द लॉकर्स, एलमेराज, स्टील प्रोडक्ट्स लुक्ड आइडेंटिकल. कोई भी कस्टमर लेंस लेके नहीं जाता प्रोडक्ट देखने, खरीदने. देखें देखें जरा क्या है, ऐसा कोई नहीं. नूतन मैडम वॉज टॉकिंग अबाउट रीबॉक. स्टेशन के बाहर रीबॉक मिलते हैं, आप लेंस लेके कहां देखते हैं. नाइकी भी मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है. और अगर आप देखेंगे तो कमाल की बात यह है कि दे आर नॉट, नोबडी इज बॉदर्ड. कि नाइकी का जो राइट टिक है वो उल्टा है. पकड़ने के, अरे साहब मेरा तो उल्टा है ना, आपका तो सीधा है, मैं तो उल्टा काम ही कर रहा हूं तो उल्टा है. सीधे वालों का वो उधर है. दिस इज द वे पीपल डू. But fortunately, our courts are quite vigilant. And this Goldridge fellow was finally caught. And when he said that this is not Goldridge, I have written Goldridge, how could you punish me? The court said that even resemblance is punishable. That is called infringement of the copyright. So now, the law is not limited to identical, but even a resemblance to it is a violation. And that concept has also been brought into DRM. And that is why anti-tempering. कि आप छोटा मोटा tempering करके ये नहीं बोल सकते कि ये तो मेरा है. This is not a violation of digital rights. No, it is. And that is why anti-tempering. DRMs are also available nowadays. Now moving ahead, there is also a concept called tracking. ये भी DRM का एक अनोखा मेथड है. अगर आप ट्रैकिंग में देखेंगे तो दो तरह के ट्रैकिंग मार्केट में प्रेवलेंट हैं. पहला है वॉटरमार्किंग. अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर या जजमेंट जो अपलोडेड है बॉम्बे हाई कोर्ट की साइट पे या सुप्रीम कोर्ट की साइट पे, उसको डाउनलोड करेंगे तो यू विल फाइंड पीछे एक वॉटरमार्क होगा, हाई कोर्ट लिखा है या सुप्रीम कोर्ट लिखा है. दैट इज कॉल्ड वॉटरमार्किंग. बाय वॉटरमार्किंग यू आर ट्रैक्ड हु इज डाउनलोडिंग. सो दैट ट्रैकिंग सिस्टम इज अनदर सिस्टम ऑफ DRM. डिजिटल राइट्स आर मैनेज्ड बिकॉज नाउ, unlike other time when you were supposed to apply for the copy of the order, now it is uploaded already and you have a device to download it. So whether this document is genuine or not, how will you come to know? And that is why there is a watermark. And by watermark, you are tracked. And these are digitally embedded within that audio or visual or paper. वो embedded होता है. आप चाहे किसी paper पे निकालिए, वो watermark रहेगा. That is what a system called watermarking. ये CDs, DVDs पर भी होता है, cinema पर भी होता है. अगर आप देखेंगे तो आजकल news channels भी watermarking use कर रहे हैं. आप कोई बड़ी भयानक सी न्यूज हो तो न्यूज चैनल वाले को लगता है कि बस मैं ही दिखा पा रहा हूं और वो बार बार उसको एम्फसाइज करता है, न्यूज छोड़िए देखिए एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, वो पीछे एक्सक्लूसिव टैगलाइन चलती जाएगी. कई बार आप सोचते हैं भाई न्यूज देखें कि आपका एक्सक्लूसिव देखें, वो वॉटरमार्किंग इतनी प्रोमिनेंट कर देते हैं कि न्यूज ही पीछे हो जाती है. और कमाल की बात यह है दैट एवरी चैनल क्लेम्स दैट दिस इज एक्सक्लूसिव. I sometimes fail to understand
Where is that inclusive channel? Everybody has exclusive right on this news. वो घटना जिसने अंजाम दिए वो बेचारा बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता होगा कि यार ये सब एक्सक्लूसिव इनका, तो मैंने क्या किया? बिकॉज दीज न्यूज चैनल्स दे वॉन्ट टू ओन अप दैट राइट ऑफ दैट डिपिक्शन. और इसी से शायद इंस्पायर होके, मुझे ऐसे लगता है, दिस इज माय कंसेप्ट, आई मे बी रॉन्ग, कि ये न्यूज चैनल की इस एक्सक्लूसिविटी से इंस्पायर होके अभी आतंकवादी भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने लगे. अरे भाई ये बम मैंने फोड़ा. थोड़े दिन में वो आ जाता है, अभी बम फूटा भी नहीं, कई बार तो पहले ही आ जाता साहब ये. अरे वो कहाँ फूटा? फूटेगा फूटेगा, देखो थोड़ी देर बाद. दे स्टार्टेड ओनिंग अप देयर एक्ट ऑफ टेररिज्म, बिकॉज उनको भी वो एक्सक्लूसिविटी चाहिए. दे वॉन्ट दैट रिकग्निशन, क्योंकि डर का भी बहुत बड़ा व्यापार है. देयर इज अ होल बिग लॉट मार्केट ऑफ टेरर एंड एवरीबॉडी इज वाइंग फॉर दैट पब्लिसिटी दैट आई एम अ बिगर टेररिस्ट देन यू एंड आई एम अ बिगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देन यू एंड दैट इज हाउ. अदरवाइज व्हाई वुड अ क्रिमिनल क्लेम दैट आई कमिटेड द क्राइम? इट्स सिंपली बिकॉज दे वॉन्ट टू मार्केट देमसेल्व्स दैट आई एम द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल, आई एम द मोस्ट ड्रेडेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर एक्सक्लूसिव. आप देखिए ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इनके डिवाइस को एक टर्म यूज होता है आईईडी, आईईडी ब्लास्ट. ये क्या है आईईडी? हैव यू एवर बॉदर्ड टू नो? इट इज इनोवेटिव एक्सप्लोजिव डिवाइस, आईईडी. मतलब ये कि जब हम क्लेम करेंगे तो हम बताएंगे सर ये हमारा इनोवेशन है, देखिए कितना अच्छा ब्लास्ट हुआ इससे. एज इफ आपको अगर कभी ऐसा ब्लास्ट करना हो तो मेरे पास आइए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाम पता नहीं देते कि कहां जाके कांटेक्ट करें ऐसी डिवाइस को परचेज करने के लिए. आपकी आईईडी कहां मिलेगी? ऑल्दो आई एम अ विक्टिम ऑफ माई वाइफ्स आईईडीज एवरी डे. She has, unfortunately she's there. No, I may be victim again. So her IEDs are innovative every day. And I'm so surprised how innovative she is. Maybe in the future, she may get a DRM on her innovative devices. You can get the pipe, pay the royalty and get those innovative methods of torturing. Moving ahead, another is metadata, another method of tracking. Apart from watermark, there is metadata where even if you are purchasing a product, that purchaser is tracked. You are legally purchasing a product, a digital product, but that purchaser is also tracked. So that means the creator or the owner of that software or the product knows who has purchased my product. So how many genuine purchasers are there about my product? That is called metadata. And there are these kind of detailing in metadata involved. These informations, the metadata system requires. If you are purchasing it, you'll have to fill those. आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर में एक फॉर्म आ जाता है, वो फॉर्म भरिए, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, बाप का नाम, पिता का नाम, इसका नाम, उसका नाम, अड़ोसी पड़ोसी सब बताइए, तब हम समझेंगे कि आप यहाँ पर हैं और आपका ये प्रोडक्ट आपने हमारा ख़रीदा है. और वो फॉर्म भरते ही आपके पास यू विल बी फ्लडेड विद सो मेनी अदर मार्केटिंग सॉफ्टवेयर. अरे ये भी ले लो ना, अब लिया है तो ये भी ले लो, अब लिया है तो वो भी ले लो. नाउ सी, बीइंग अ लॉयर आई नो
बॉम्बे में जो बुक सेलर्स हैं, अगर आप वी नॉर्मली कीप ऑर्डरिंग बुक्स, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर मेरा भी ये कॉपीराइट है, उनको फोन करो कि अरे भाई ये बुक लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है ना सर, हाँ तो भेज दो। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक के मेरे अनुभव में